दिस इज माई ब्लू सीरीज। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला था जिसमें हम लोग एनिमेशन करते थे, सेल एनिमेशन। उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने रिज़ाइन करके सोचा कि फुल टाइम आर्टिस्ट बनते हैं। जब मैंने जॉब छोड़ने के बाद, एनिमेशन छोड़ने के बाद, जो मेरा पेंटिंग स्टाइल था वो फिगरेटिव था। फिगरेटिव काम करते करते मुझे पता चला कि कुछ प्रोग्रेशन होना चाहिए काम में, ऐसे हम सोचते हैं। तो ऑटोमेटिकली मेरी पेंटिंग्स में से फिगर वैनिश हो गई, निकल गई, और जो बैकग्राउंड था वो सामने आ गया। तो आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ वो वही बैकग्राउंड है, और उसी सीरीज़ में काम करते करते आज मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं लोग उसको, लेकिन उसमें आपको लैंडस्केप का एक फील आएगा। मेरे घर में एक वाइपर था छोटा सा, तो एक छोटे वाइपर से मैंने शुरू किया था छोटा पेंटिंग। उससे मुझे आइडिया मिला, तो मैं आजकल ये बड़ा टूल यूज़ कर रहा हूँ, और इससे मेरे पेंटिंग्स सॉफ्ट हो जाती है। जो मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ, एक्रिलिक को सॉफ्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो क्विक ड्राई है। तो आजकल मैं इस तरह से टूल यूज़ करता हूँ, जो मुझे पेंटिंग करने में काफ़ी सहायता होती है इससे। असल में मेरा काम लेयर्स में होता है, तो अराउंड 20, 25, 30, कम से कम इतने लेयर्स मेरे काम में आते हैं। और कोई भी पेंटिंग पूरी तब होती है जब आर्टिस्ट का सेटिस्फेक्शन होता है। जब तक आर्टिस्ट का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तब तक पेंटिंग पूरी नहीं होगी।